दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। Realme X7 लॉन्च हो रहा था उसी दिन, Realme X7 Pro भी, एंड जैसे ही स्पेसिफिकेशन आया सब लोग सोच रहे थे 18,000 की प्राइस पे आ गया 20,000 की प्राइस पे, सबको थोड़ा बुरा लगा। लेकिन बाद में माधव सेठ ने कहा कि अगर आप इसे स्मार्ट अपग्रेड प्लान पे लेते हो तो आपको ये सिर्फ 14,000 में मिल जाएगा। अब इतना माधव सेठ का कहना ही था कि मेरे इंस्टाग्राम पे आ गए सब लोग, भाई कैसे 14,000 में मिलेगा बताइए, ये स्मार्टफोन कैसे 14,000 में मिलेगा बताइए। अब यही हो गया कि जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उसके नाम के सामने चिपका दिया जा रहा है कि भाई आप 70% अमाउंट में खरीद सकते हो अगर आप स्मार्ट अपग्रेड प्लान में लेते हो तो। तो भैया एक चीज बता दूं, ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। नहीं, ऐसा नहीं कि खाली बेवकूफ है, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, कुछ लोगों के लिए बुरा भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज दे रहे हैं आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है। वही बताने वाला हूं इस वीडियो में, क्या है स्मार्ट अपग्रेड प्लान, कैसे आप 70% अमाउंट में ले सकते हो और उसके लिए आपको क्या सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगे, यानी आपको क्या चीजें गंवानी पड़ेंगी, सारी चीजों के बारे में। चलते से वीडियो की तरफ, पसंद आए कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हां, आप भी इंस्टाग्राम पे आ सकते हो क्योंकि सब लोग आके पूछे नहीं, अबाउट 20 से 25 लोगों को डेली में बता रहा हूँ स्मार्ट अपग्रेड प्लान क्या है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली सबको हेल्प हो जाएगा। अब स्मार्ट अपग्रेड प्लान क्या है, मैंने यहाँ पे सारी चीज पॉइंट लिख के रखे कि मुझे क्या क्या एक्सप्लेन करना है। अब स्मार्ट अपग्रेड प्लान कहता क्या उनके हिसाब से, कि आप एक स्मार्टफोन खरीद रहे हो अगर, तो उसे स्मार्ट अपग्रेड प्लान में अगर लेते हो तो आपको सिर्फ 70% देना पड़ेगा, यानी 21,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हो, 20,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो 14,000 देना पड़ेगा, 30,000 का स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आपको 21,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन वो जो उसके पीछे का खेल है वो नहीं बता रहे हैं सामने सामने, ठीक है। अब खेल क्या है, इसका मतलब क्या है पता है स्मार्ट अपग्रेड का, सबसे पहली बात तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो ये प्लान आप नहीं ले सकते। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो पहले ही आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो इस गेम से, जो खेल चल रहा है उससे। चलिए मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है भी। अब दूसरा प्लान क्या है इनका, खेल ये है स्मार्ट अपग्रेड का कि आपको एक साल के अंदर 70% अमाउंट पे करना है क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे, जैसे 70% अमाउंट आपको पे करना है, ठीक है। आप जो भी, जैसे 20,000 का स्मार्टफोन है, 14,000 आप एक साल में पे करो, एक साल में, हाँ एक साथ नहीं, एक साल में क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे, तो जो भी आपका हिसाब होगा उतना कटेगा। 500 रुपए के आसपास कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते हैं वो लोग, तो आप समझ लो 500 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। एक साल बीत गया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको वो स्मार्टफोन वापस करना है तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपको स्मार्टफोन को अपने पास रखना चाहते हो तो आपको बाकी के जो पैसे हैं 6,000 रुपए वो पे करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं पे करोगे तो फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड आपने रजिस्टर किया था वहां से वो लोग 6,000 रुपए काट लेंगे। यही चीज है। अब अपग्रेड क्यों कहते हैं उनके हिसाब से, स्मार्ट अपग्रेड का मतलब होता है कि आप नया स्मार्टफोन खरीदो, फिर से आप 70% पे करो एक साल के बाद, यानी फिर से नया स्मार्टफोन खरीदो, फिर 70% पे करो, यानी 70% में आप स्मार्टफोन पा रहे हो। मुझे नहीं पता कि इनका लॉजिक कहां जाता है। इनके हिसाब से इंडियंस जो होते हैं स्मार्टफोन एक ही साल यूज करते हैं। मैं बेवकूफ हूं, मैं 20,000 का स्मार्टफोन खरीदूं उसको फिर बेच के, यही मतलब हो रहा है ना, कि मतलब 20,000 का मैंने फोन लिया एंड वापस दिया तो एक साल बाद तो मुझे 6,000 ही मिले, इससे अच्छा मैं 20,000 का खरीद के ओएलएक्स में ना बेच दूं, 10,000 वापस मिल जाएंगे मुझे, मैं क्यों स्मार्ट अपग्रेड के पीछे जाऊं। इसका मतलब यही हो गया कि आप एक साल के लिए रेंट पे स्मार्टफोन ले रहे हो और एक साल का रेंट 70% पे कर रहे हो, 70% पे कर रहे हो एंड फिर वो आपको वापस कर देना पड़ेगा। और अगर उसको रखना है आपको तो पूरा 20,000 पे करो। तो यही चीज है घुमा फिरा के वो लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एंड सबसे बड़ी भी चीज की, आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अच्छा भी, ऐसा नहीं कि बुरा ही है सबके लिए, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये चीज आपको सिर्फ ट्रिक करने के लिए कि 14,000 में, तो आप सोचोगे 14,000 में मिल रहा है ले लूं, फिर साल भर बाद जाओगे तो लोग बोलेंगे भाई मोबाइल वापस लाओ, अगर लेना है तो फिर पूरा पैसा पे करो जो बाकी था, तो आपने 500 रुपए 600 रुपए एक्स्ट्रा ही पे कर दिया उसके लिए। लेकिन एक चीज है, अच्छी चीज क्या है इसमें, अगर आपके पास अभी 14,000 रुपए है, ठीक है, आप 20,000 पे करना चाहते हो, स्मार्टफोन लेना चाहते हो और आपको अभी के अभी स्मार्टफोन चाहिए, तो आप 14,000 में खरीद सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। फिर एक साल बाद आप 6,000 पे करके पूरा ऑन कर लेना, 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा जो भी चार्जेस होते हैं उनके, तो 20,500 में आपको स्मार्टफोन मिल रहा है। अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है तो आपके लिए अच्छा है, ऐसा कोई बड़ा ऑफर नहीं है। लेकिन अभी आपके पास अगर पूरे पैसे नहीं है, आप थोड़ा देर बाद देना चाहते हो, यानी एक साल तक आप 14,000 पे करो, बाकी उसके बाद 6,000 दे देंगे, ऐसे सिचुएशन में आना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपके लिए अच्छा है, एक इजी तरीका है लेने का,
बाकी अगर कोई ये कहे कि 14,000 में अगर स्मार्टफोन मिल रहा है जो कि 20,000 का है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप स्मार्टफोन एक साल के लिए लेते हो क्या? आप मुझे बताओ, स्मार्टफोन नियर अबाउट 99% इंडियंस जो होते हैं वो 2 साल या उससे ऊपर ही स्मार्टफोन यूज करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो हर साल स्मार्टफोन चेंज करते रहे। मैं खुद नहीं करता तो दूसरों को कैसे कहूं। और यहाँ पे यही मतलब है इसका कि आप एक साल के लिए स्मार्टफोन लो, उसके बाद लाके स्मार्टफोन वापस कर दो, 70% पे कर लो। यही चीज है स्मार्ट अपग्रेड प्लान। तो दिखाने के लिए है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है, बट किसी को हेल्प करने की जरूरत है। किसी के पास अगर कार्ड है, अगर अभी पूरे पैसे नहीं पे करने हैं, थोड़ा टाइम बाद, एक साल बाद देना है, तो लोग देख सकते हैं। दोनों पॉइंट्स हैं इसके पीछे, डिपेंड करता है आप कौन से साइड आते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कैसा लगा वीडियो? आई विश कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा अच्छे से। कैसा लगा बता देना जरूर, और पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद आया, और लेने वाले हो कि नहीं स्मार्ट अपग्रेड। वैसे तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते रहते हैं स्मार्ट अपग्रेड्स में, बेवकूफ बनाने का तरीका। पहले सैमसंग के साथ किया था, अब रियलमी भी आ गया। चलिए अच्छी चीज है, बता देना कैसा लगा वीडियो, और पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।